सो हेलो व्यूअर्स, वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन मेडिसिन। आज की इस वीडियो में आने वाले कायम चूर्ण के यूजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे उपयोग करना है, इसे लेने के बाद क्या क्या फायदे होंगे, क्या डोजेज होंगे, इसको कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और क्या साइड इफेक्ट इसको देखने के मिल सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। कायम चूर्ण के फुली यूजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे हमें वीडियो के नोटिफिकेशन जानकारी मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं इसको बनाने में किन किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया। तो कायम चूर्ण को जो बनाने के लिए आपको जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें आपको जैसे कि कुछ इस प्रकार से मुलेठी का इस्तेमाल किया गया है, अजवाइन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, सनाए के पत्ते का इस्तेमाल किया गया, साथ ही निशोथ और काला नमक का इस्तेमाल किया गया है और हरित की साथ ही समेत इसमें अन्य प्रकार की जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इस कायम चूर्ण का जो उपयोग होता है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको देखने को मिल रही है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या में ये काम आने वाली दवाई होती है। एक चूर्ण होती है, पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, ये पेट में गैस की समस्या होगी या फिर हाइपर एसिडिटी की समस्या होगी, ठीक है, पेट में गैस की समस्या फिर अधिक से अधिक एसिडिटी हो रही है तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही पेट दर्द की जो समस्या होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग जैसे कि हेडेक की समस्या होती है तो इस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कैसे करना है, तो आप इसको यूज करने का बेस्ट तरीका है कि आपको रात को सोने से पहले एक या दो चम्मच आपको गर्म पानी के साथ लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा इसमें बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन समस्याओं में यह ठीक करने का काम करता है। साथ ही इस मेडिसिन की कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि आपको इसके साइड इफेक्ट में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, साथ ही फीलिंग मोर थर्स्टी यानी आपको प्यास अधिक लग सकता है, इन कंडीशनों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी मिल जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।